नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेश लोनी और आज मैं दोबारा आप सभी के सामने एक नई YouTube वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपको अगर ई पास अप्लाई करना है दिल्ली के अंदर तो आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और जल्दी से मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं जहाँ पर मैं आपको सारे स्टेप्स सिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको ई पास अप्लाई करना है और कैसे उसका स्टेटस चेक करना है। तो चलिए देर ना करते हैं, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। और उससे पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने चैनल पर डेली लेकर आते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। अभी हम मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। अभी यहाँ पे हम क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे DELHI। देखो ये आ गया delhi.gov.in और इसके ऊपर एंटर कर देंगे तो ये दिल्ली की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें आपको ये सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आप ये सारा का सारा फ़ोन में भी कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाके भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में क्लिक करना होगा, डेस्कटॉप वर्जन जो है वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका यही इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में से किस में आपको आगे बढ़ना है वो आप क्लिक कर सकते हो। अगर आपको, जैसे मैं अभी इंग्लिश में करूँगा तो मैं यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करता हूँ। अगर यहाँ पे ऑलरेडी आपकी पहले से एप्लीकेशन सबमिट है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको नई सबमिट करनी है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा ई पास ड्यूरिंग कर्फ्यू। तो आपको यहाँ सबमिट करना है। सबमिट करते ही यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। ये सारे जो लिखा हुआ है ये सारे पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना, जो भी नंबर आपका है फ़ोन नंबर, वहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, एड्रेस ऑफ ऑफिशियल और प्लेस ऑफ एंगेजमेंट, जहाँ पे आपको जाना है, जिस एड्रेस पे भी जाना है। इसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ सर्विस है, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और आप ये ट्रैवल क्यों कर रहे हो। तो इसमें ये सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें से आपका जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट सेलेक्ट करनी है कि किस डेट से आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको कौन सी डेट तक जाना है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे टाइम भी लिखा हुआ है इसका कि आप कितने बजे से कितने बजे तक वहाँ पे आओगे और जाओगे। ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ अपना सबमिट करना है। कोई भी आपकी जो आईडी है, बोथ साइड ऑफ गवर्नमेंट इशूड आईडी, आधार कार्ड या तो कोई आईडी जैसे लाइसेंस हो गया या फिर पासपोर्ट हो गया उसकी, या फिर जैसे आधार कार्ड है। तो यहाँ पर आपको अपने डेस्कटॉप पे क्लिक करके, अगर आपने अपने डेस्कटॉप पे अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको अपने मोबाइल से अप्लाई करना है तो मोबाइल में वो फाइल होनी चाहिए तो उसको आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे, और 4 MB से कम की होनी चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना जो जहाँ पे आप जा रहे हो उन्होंने जो लेटर इशू कर रखा है आपको वो लेटर यहाँ पे अप्लाई करना है, और उसके बाद यहाँ पे आई एक्नॉलेज करके इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप इसको सबमिट करोगे तो आप इस पोर्टल पे आ जाओगे, जो यहाँ पे ये आपका ये वाला पोर्टल आता है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपकी जो फाइल है वो सबमिट हो गई है और वो प्रोसेस में है, या फिर आपको आपका ई पास मिल चुका है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आई होप आप लोगों को सारे स्टेप समझ आए होंगे, और अगर कोई आपके स्टेप छूट गया है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।